हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे Xiaomi ने न्यू अपडेट्स की पॉलिसी रिलीज़ कर दी है Redmi Note सीरीज़, Poco सीरीज़, Mi सीरीज़ और Redmi सीरीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे Xiaomi की तरफ से न्यू अपडेट्स की पॉलिसी निकल के सामने आ चुकी है और उसमें हमें कम्प्लीटली चेंज लॉग बहुत सारा देखने के लिए मिल जाता है कि अब से हमें Redmi Note सीरीज़ में कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड और कितने MIUI के अपग्रेड, और हमें Poco सीरीज़ में कितने MIUI के अपग्रेड, कितने Redmi के अपग्रेड यानी कि कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड, और इसके साथ साथ Mi सीरीज़, Redmi सीरीज़ में भी ये बताया गया है कि अब से हमें उन सब में कितने MIUI के अपग्रेड और कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी कम्प्लीटली चेंज निकल के सामने आ चुकी है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अब से हमें Redmi की सीरीज़ यानी कि Xiaomi के मोबाइल में कितने MIUI के अपग्रेड और कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इससे रिलेटेड। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note सीरीज़ की। तो फ्रेंड्स, Redmi Note सीरीज़ में हमें केवल एक ही एंड्रॉयड का अपग्रेड देखने के लिए मिलता था और उसके साथ हमें उसमें केवल 3 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिल जाते थे, जो कि ठीक ठाक सी बात थी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम MI सीरीज़ की। तो आपको MI सीरीज़ में 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और उसके साथ आपको उसमें 4 से 5 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिल जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई Mi सीरीज़ और Redmi Note सीरीज़ की। अब बात कर लेते हैं हम Redmi सीरीज़ की। तो फ्रेंड्स, Redmi सीरीज़ में आपको केवल एक एंड्रॉयड का अपग्रेड और उसके साथ आपको इसमें 3 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिल जाते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं Poco सीरीज़ की। तो फ्रेंड्स, Poco सीरीज़ में हमारा ये सब चेंज होता रहता है क्योंकि हमारा Poco बिल्कुल Redmi का बिल्कुल उसमें रीब्रांड बनाता रहता है। लेकिन हमें सबसे पहले Poco सीरीज़ में केवल एक ही एंड्रॉयड के अपग्रेड और एक ही तीन MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिल जाते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अब से हमें इन सारे डिवाइसेस में कितने MIUI के अपग्रेड और कितने एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीटली फुल चेंज लॉग निकल के सामने आ चुका है। तो अब से हमें MI सीरीज़ में 3 एंड्रॉयड के अपग्रेड देखने के लिए मिलेंगे और 3 एंड्रॉयड के अपग्रेड के साथ हमें उसमें 4 साल का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi की तरफ से कि अब से हमें MI सीरीज़ में 3 एंड्रॉयड के अपग्रेड और उसके साथ हमें उसमें 5 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिलेंगे, और हमें Redmi Note सीरीज़ में 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और उसके साथ हमें उसमें 4 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रेंड्स, Poco सीरीज़ में भी हमें 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और उसके साथ 4 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, Redmi सीरीज़ का अभी भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें हमें एक एंड्रॉयड अपग्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो हमारा Poco का सीरीज़ है वो हमारा बिल्कुल Redmi सीरीज़ या Redmi Note सीरीज़ या Mi सीरीज़ को वो बिल्कुल उसकी जैसा ही रीब्रांड बनाता है। तो हम बात कर लेते हैं Poco M2 की। तो फ्रेंड्स, Poco M2 हमारा Redmi 9 Prime का रीब्रांड है। तो हमें Poco M2 में केवल एक ही एंड्रॉयड का अपग्रेड और उसके साथ 3 MIUI के अपग्रेड देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रेंड्स, Poco M2 Pro की बात करें तो Poco M2 Pro हमारा Redmi Note 9 Pro Max का रीब्रांड है और Redmi Note सीरीज़ में 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और 4 MIUI के देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें Poco M2 Pro में भी 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और 4 MIUI के अपग्रेड ही देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, Poco सीरीज़ Redmi Note सीरीज़ के हिसाब से चलेगी और Redmi सीरीज़ के हिसाब से चलेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की गुड न्यूज़। Xiaomi न्यू पॉलिसी फॉर अपडेट्स हाई एंड को 3 एंड्रॉयड और 5 MIUI, मिड रेंज को 2 एंड्रॉयड और 4 MIUI और लो एंड को 1 एंड्रॉयड और 3 MIUI। तो फ्रेंड्स, ये वाली पॉलिसी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज अब हो चुकी है क्योंकि अब से हमें 3 एंड्रॉयड के अपग्रेड भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो भी
मी सीरीज़ में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है एक शोमी के मॉडल के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाई टी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाई टी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।